हेलो क्लास फोर स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर 12 सॉइल इन योर साइंस बुक। लर्निंग चेकलिस्ट है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कंपोजिशन, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइंड द वर्ड गिवन इन द बॉक्स फ्रॉम द वर्ड सर्च। वर्ड्स में रीड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये आपके जो है एक फिगर यहाँ पे बना के दिया गया है जिसमें कि कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इसमें आपको आपके सॉइल से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें आपको सर्च करना है, और ये वर्ड्स जो है सीधे की तरफ भी हो सकते हैं और बैकवर्ड्स भी ये वर्ड हो सकते हैं। जैसे कि एक इन्होंने दिखाया है कि ये ROCKS रॉक्स, आपका यहाँ रॉक है ना, तो इन्होंने ये बैकवर्ड पोजिशन में ये वर्ड रखा है। इसी तरह से और आपको एयर, सैंड, क्ले, वाटर, अर्थवर्म, ये आपको जो है इसमें सर्च करके आपको उनको फिगर आउट करना है। इन एडिशन टू एयर एंड वाटर, सॉइल इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। जिस तरह पानी और हवा हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी अर्थ पे लाइफ के लिए ज़रूरी है, उसी तरह सॉइल भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। मतलब मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी अर्थ पर लाइफ चल सके इसके लिए पानी और हवा के साथ ही मिट्टी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सॉइल भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट ग्रो इन द सॉइल एंड वी नो दैट ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड सर्वाइवल। जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ ग्रो होते हैं, वो सॉइल में ही ग्रो होते हैं ना। और हम सभी जानते हैं कि जो जितने लिविंग बींग्स हैं वो सभी जो है अपने खुद को जीवित रखने के लिए प्लांट्स पर ही वो डिपेंड हैं। और सॉइल इज़ ऑल्सो होम टू मैनी इंसेक्ट एंड एनिमल्स। जो सॉइल जो है वो कई इंसेक्ट और एनिमल्स का घर भी है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल इन दिस चैप्टर। चैप्टर में हम सॉइल के फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन मतलब होता है कि मिट्टी बनती कैसे है, सॉइल हमारा बनता कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ अ स्लो प्रोसेस। जो मिट्टी का बनना होता है वो बहुत ही धीमा प्रोसेस होता है, वो जो है एक दो दिन में या महीनों या एक आध साल में ऐसे नहीं बनता है, उसको बनने में काफ़ी समय लग जाता है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में हज़ारों साल का समय लग जाता है। Big rocks are broken down into smaller pieces due to the heat of the sun, strong winds and flowing water. जो बड़े बड़े चट्टानें होती हैं उनको टूट के छोटे छोटे पीसेस बनने में जो बनती हैं वो किस वजह से बनती हैं, वो हीट ऑफ द सन, मतलब सन की हीटनेस की वजह से, स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से, और फ्लोइंग वाटर मतलब जो वाटर बहती है, जो हवा का तेज प्रवाह होता है, उनकी वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर छोटे छोटे पीसेस में बदलती हैं। द रॉक्स गेट हीटेड अप ड्यू टू द सन्स रेज एंड एक्सपेंड ड्यूरिंग द डे। जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो गर्म होती, वो सन की जो रेज होती है, सन की जो किरणें होती हैं उनकी वजह से वो गर्म हो जाती हैं, एक्सपेंड ड्यूरिंग द डे, और दिन के समय में वो गर्म होकर फैल जाती हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट एट नाइट वेन दे कूल डाउन, और वो रात के समय में संकुचित हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं वो। दिस कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम क्रैक्स इन रॉक्स विच आर फर्दर ब्रोकिंग डाउन बाई विंड एंड फ्लोइंग वाटर। और ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, रॉक्स का जो है टूट कर, जो विंड और फ्लोइंग वाटर की वजह से जो रॉक्स जो है टुकड़ों में टूटती है, ये प्रोसेस इनका चलता ही रहता है। रूट्स ऑफ प्लांट एंड बोरिंग एनिमल्स कैन ऑल्सो ब्रेक रॉक्स। जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, और जो बोरिंग एनिमल्स होते हैं, मतलब कि जो बिलों में रहते हैं या अपने बिल बनाने के लिए वो मिट्टी को क्या करते हैं, खोदते हैं, तो इन एनिमल्स की वजह से ही जो रॉक्स होते हैं वो टूटते हैं। व्हेन द रूट्स ग्रो दे मे इंटर इनटू द रॉक्स एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉलर पीसेस। जब पेड़ बड़ा होता है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रीज होती हैं, काफ़ी बड़े ट्रीज जो होते हैं, बिग ट्री, उनके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े और काफ़ी मजबूत होते हैं, तो जब वो फैलती हैं ट्री जो है ज़मीन के अंदर, तो वो रॉक्स में इंटर कर जाती हैं।
जो कि उनके रूट्स भी, जो बिग ट्रीज़ होती हैं उनके रूट्स भी काफ़ी मजबूत होती हैं, तो वो जब जो है मिट्टी के अंदर फैलते चले जाती हैं तो काफ़ी जो है मजबूती से वो रॉक्स के अंदर भी घुस जाती हैं, जिनकी वजह से जो रॉक होते हैं वो स्मॉल पीसेज में टूट जाते हैं। द नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग। जो ये प्राकृतिक रूप से जो रॉक्स का, चट्टानों का जो टूटना होता है उसको वेदरिंग के नाम से जानते हैं, जिनको अपक्षय भी बोला जाता है। द स्मॉलर रॉक्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन इंटू फाइन पार्टिकल्स। और जो छोटे छोटे, जो बड़े रॉक से टूट के छोटे छोटे से चट्टान बनते हैं, इनका फाइन पार्टिकल्स में जो ये बाद में टूटते हैं, जो बड़े चट्टान टूट के छोटे चट्टान बनते हैं और फिर जो छोटे छोटे से चट्टानें होती हैं वो एक फाइन पार्टिकल में टूटती हैं बाद में। विथ टाइम द कंटिन्यूस वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्रिएट्स अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और टाइम के साथ ही जो ये प्रोसेस चलता रहता है रॉक्स का, ये बाद में एक थिन, मतलब सॉइल की एक बहुत ही महीन लेयर में ये क्रिएट हो जाती है। रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल ह्यूमस मिक्सड विथ सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल। और जो बचा, जो बाद में जो डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो पार्ट होते हैं, मतलब उनको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं ना, कि जो जिस सड़े गले पत्ते जो होते हैं और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उनके जो है जो वो मिट्टी में धीरे धीरे अब्जॉर्ब कर जाती हैं उनकी स्किन, तो उससे क्या बनता है, उससे ह्यूमस बनता है। तो ये जो ह्यूमस होता है ये सॉइल में मिक्स होके उसको फर्टाइल बना देता है। इसी से जो है हमारी जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, जिनसे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। द कलर ऑफ सॉइल वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो सॉइल के जो कलर होते हैं वो हर जगह पे वो चेंज होते हैं। सॉइल कैन बी ब्लैक, डार्क ब्राउन और रेड इन कलर। ये जो है आपके ब्लैक, डार्क ब्राउन और रेड कलर में भी हो सकते हैं। द सॉइल कैन बी डिफाइंड एज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। इसलिए जो है जो अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो जो है हमारी सॉइल, वहीं जो ये सॉइल है ये आपकी अर्थ के टॉप, अर्थ के तल पर जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर होती है उसी को हम लोग सॉइल कहते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ सैंड, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड सम अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर। इसमें जो है क्या मिला रहता है, इसमें सैंड, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, मिनरल्स और सम अमाउंट में, कुछ अमाउंट में एयर और वाटर कंटेंट्स होते हैं, मतलब मिले हुए होते हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे सॉइल कंपोजिशन, मतलब जो हमारी सॉइल है वो किन से मिलके बनती है, इसको हम लोग हिंदी में संगठन के नाम से भी जानते हैं। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ मैनी थिंग्स। जो हमारी सॉइल है वो कई चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। द फाइव बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर गिवन बिलो। रॉक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, एयर, वाटर, सॉइल, क्रिएचर्स। इनके डिटेल्स हैं। रॉक मटेरियल, सब्सटेंस सच एज सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सब्सटेंस जैसे कि सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये फॉर्म होती हैं किस रॉक्स से, जो रॉक टूट के ये इनमें जो है वो फॉर्म हो जाती हैं। सैंड आपकी रेत हो गई, सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट जो होता है वो क्ले और सैंड का मिक्स रूप होता है। तो जो रॉक चट्टाने होती हैं, चट्टाने टूट कर जो है वो सैंड, सिल्ट और क्ले के रूप में वो बनती हैं। दीज फॉर्म द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। और ये जो है सॉइल के इनऑर्गेनिक, अप्राकृतिक तत्व के रूप में पाई जाती हैं। सैंड एंड सिल्ट आर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक। जो सैंड और सिल्ट होते हैं ये रॉक के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। सिल्ट आपकी जैसे कि जो है, जो सैंड होती है वो काफ़ी रफ होती है और उसी जगह क्ले काफ़ी आपकी स्मूथ होती है, तो सिल्ट जो होती है वो जो है सैंड और क्ले का मिक्स रूप हो जाती है। तो ये जो है पार्टिकल्स में, ये रॉक के स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में सैंड और सिल्ट होते हैं। पेबल्स आर लार्जर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। और जो पेबल्स होते हैं, मतलब जो कंकड़ होते हैं, वो सॉइल का लार्जर रूप होता है, मतलब सबसे बड़ा रूप आपका कंकड़ होता है।
क्ले इज कंपोज्ड ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल दैट आर क्लोजली पैक्ड। जो क्ले होती है, जो हमारी मिट्टी होती है, वो एक बहुत ही फाइन पार्टिकल होती है जो कि जो है आपस में पैक्ड होती, मतलब बिल्कुल बंधी हुई सी आपस में होती है। ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ हमस। ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या बन होता है? वो हमस होता है। हमस क्या होते हैं? जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स का जो पार्ट होता है, जो कि मिट्टी में मिल जाता है, तो ये आप वो हमस बनता है इससे, जो कि प्लांट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। उनको फर्टाइल करने के लिए हमस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ द डार्क ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म ड्यू टू द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो है, जो सब्सटेंस होता है, ये बिल्कुल डार्क ब्राउन होता है। और ये किस वजह से होता है, ये फॉर्म किस वजह से बनती है? क्योंकि डेड प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से ही ये फॉर्म बनती है। हमस प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड हेल्प द सॉइल टू होल्ड मोर वाटर। जो हमस होती है, वो प्लांट्स को मोर न्यूट्रिशन बनाने में हेल्प करती है, जिसके और सॉइल को वाटर हो, मतलब हेल्प द सॉइल टू होल्ड मोर वाटर, और जो है सॉइल को मोर वाटर पकड़ के रखने के लिए, मतलब जिससे वाटर उसमें से जल्दी से जो है डालते ही हट ना जाए, बह ना जाए, इसमें जो है जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, मतलब जो आपके डेड एनिमल्स और प्लांट्स के डिकेट जो होते हैं, वो काफ़ी हेल्प करते हैं वाटर को रोक के रखने में। एयर, सॉइल आल्सो कंटेन्स एयर। सॉइल में एयर भी होती है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट रूट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल फॉर ब्रीथिंग। जो हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, जो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, वो प्लांट के रूट्स को बहुत ही ज़रूरी होती है। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि सॉइल में दूसरे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको ब्रीथ करने में बहुत हेल्प मिलती है। और वो ब्रीथ किस वजह से करते हैं? क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, उस वजह से जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में, उनको ब्रीथ करने में हेल्प होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये जो है प्लांट को ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। वाटर, वाटर इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ सॉइल। वाटर भी सॉइल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। जो प्लांट्स होती हैं, वो जो है वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं? वो अपने रूट से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म फॉर डिफरेंट पर्पस। और ये जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो मिट्टी में रहने वाले बहुत से छोटे छोटे से जीव होते हैं, उन्हें भी पानी की आवश्यकता होती है। वो भी वाटर को यूज़ करते हैं अपने बहुत से डिफरेंट पर्पस को पूरा करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उसमें मिट्टी में रहने वाले, जैसे मिट्टी में कई तरह के कीड़े मकोड़े और कई तरह के फंगी बैक्टीरिया रहते हैं, तो उनको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो कि सॉइल में रहते हैं। सॉइल कंटेंस मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हमस। सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मिले हुए होते हैं, जैसे कि आपका अर्थवॉर्म हो गया, जिसको हम लोग केचुए के नाम से जानते हैं हिंदी में, और बहुत जो है सूक्ष्म जीव भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, जो कि हमस के फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं, हमस बनने में ये हेल्प करते हैं। और हमस सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अर्थ वॉर्म आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज देयर मूवमेंट इन द सॉइल कॉजेज द सॉइल टू टर्न इन एंड आउट। अर्थ वॉर्म को तो फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की हेल्प से जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, जब ये उस मिट्टी में चलते हैं, इनका मूवमेंट होता है सॉइल के अंदर, तो जो मिट्टी होती है वो अपनी जगह से ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस वजह से जो है इन वो उसमें जो है हवा की मात्रा, पानी की मात्रा, ये सब वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
दिस हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द सॉइल विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और जो ये अर्थवर्म होते हैं इनके मूवमेंट की वजह से ही जो सर्कुलेशन होता है हवा का सॉइल में वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, वो बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से जो प्लांट होते हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अब आप ये परसेंटेज की हेल्प से जान जाएंगे कि सॉइल में जो कंपोजिशंस होते हैं इन इन चीज़ों के वो किस परसेंटेज में होते हैं। जैसे कि जो रॉक मटेरियल होते हैं वो 45% होते हैं, एयर 25%, वाटर 25% और 5% ऑर्गेनिक मटेरियल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये आपके सॉइल कंपोनेंट्स में ये सब इन्वॉल्व होते हैं। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल कितने प्रकार की होती हैं। सॉइल प्रोफाइल इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द लेयर ऑफ सॉइल। जो सॉइल प्रोफाइल होती है वो सॉइल की लेयर को डिस्क्राइब किया जाता है। सॉइल की प्रोफाइल में देयर आर 3 लेयर ऑफ सॉइल, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेडरॉक्स। सॉइल की 3 लेयर होती हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेडरॉक्स। टॉप सॉइल क्या होती है, इफ़ इट रिफर्स टू द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इन विच द प्लांट्स ग्रो। ये जो है सॉइल की सबसे ऊपर की जो अपर मोस्ट लेयर होती है जिसमें कि प्लांट लगाते हैं हम लोग, उसको हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं। दिस लेयर कंटेंस फाइन पार्टिकल्स सच एज सैंड एंड क्ले। इस लेयर में ही सबसे फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसको कि हम लोग सैंड और क्ले के नाम से जानते हैं। टॉप सॉइल इज़ रिच इन ह्यूमस, एयर एंड वाटर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। और इनकी टॉप सॉइल जो होती है सॉइल की, तो उसी में जो है हमस, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए रिक्वायर होती हैं। सब सॉइल, अब इनके जो बीच वाला पार्ट होता है सॉइल के, उसको जो है जो बीच वाली लेयर होती है उसको हम लोग सब सॉइल के नाम से जानते हैं। इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ सॉइल अंडर द टॉप सॉइल। मतलब ये जो मिट्टी की जो परतें होती हैं, जो लेयर होती हैं, उसमें जो बीच वाली लेयर होती है उसको हम लोग सब सॉइल के नाम से जानते हैं, और ये टॉप सॉइल के जस्ट नीचे वाली लेयर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स। इसमें जो है वो जो रॉक्स के ब्रोकन पीसेस होते हैं वो इसमें मिले रहते हैं। इट इज़ मोर कॉम्पैक्ट एंड कंटेंस लेस एयर बट हैज़ वाटर। ये काफ़ी चिकनी होती है लेकिन इसमें जो है पानी कम रहता है, सॉरी एयर की मात्रा कम रहती है लेकिन पानी रहता है। सब सॉइल कंटेंस वेरी लेस हमस कंपेयर टू द टॉप सॉइल मेकिंग इट लेस फर्टाइल। जो सब सॉइल होता है वो टॉप सॉइल की कंपेयर में उसमें हमस की मात्रा कम होती है, और इसीलिए वो कम फर्टाइल भी होता है। मतलब उसमें जितना उर्वरकता टॉप सॉइल में होती है उससे कम फर्टिलिटी जो है बेड सब सॉइल में होती है। इट इज़ लाइटर इन कलर दैन द टॉप सॉइल, और टॉप सॉइल से इसका कलर हल्का होता है। बेड रॉक्स, इट इज़ द बॉटम लेयर ऑफ द सॉइल, और तीनों लेयर में जो सबसे नीचे की जो है लेयर होती है इसको बोलते हैं बेडरॉक्स। दिस लेयर कंटेन्स लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स एंड इज़ वेरी हार्ड। और जो सबसे जैसे बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं तो इस लेयर में वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं। द रॉक्स इन दिस लेयर आर अनवेदर्ड रॉक्स, देयर इज़ नॉट मच वाटर। और ये जो रॉक होते हैं इस पर्थ में, जो रॉक्स होते हैं वो अनवेदर्ड रॉक्स होते हैं, मतलब वो जो है वो मतलब उनमें वो टूटते नहीं हैं जल्दी, क्योंकि वो काफ़ी ज़मीन से काफ़ी नीचे होते हैं तो उनमें इन सब चीज़ों का असर कम होता है जिसकी वजह से चट्टानें टूटती हैं। दिस इज़ देयर इज़ नॉट मच वाटर हेयर, और यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं होता है। सॉइल प्रोफाइल इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज़, और अलग अलग एरिया में अलग अलग सॉइल प्रोफाइल होती हैं। क्लाइमेट ऑफ द एरिया एंड टाइम टेकन फॉर द सॉइल फॉर्मेशन इफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल टाइप। जिस जगह का जैसा क्लाइमेट होता है और मौसम होता है और वो जितना समय लेता है सॉइल बनने में, इन सब का इफ़ेक्ट सॉइल प्रोफाइल और सॉइल टाइप में, मतलब मिट्टी की लेयर में और मिट्टी के प्रकार में, इन सब का इफ़ेक्ट आता है।
टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के प्रकार। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन साइज फील एंड कलर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स क्ले सिल्ट एंड सैंड। कलर साइज फील और कलर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स जैसे कि क्ले सिल्ट और सैंड के आधार पर हम लोग सॉइल को थ्री टाइप में डिवाइड करते हैं। क्ले कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ फाइन साइज। जो क्ले होता है वो बहुत ही महीन होता है, बिल्कुल महीन पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम लोग क्ले कहते हैं। क्लेई सॉइल इज स्टिकी एंड होल्ड्स वाटर वेल। जो क्लेई सॉइल होती है बिल्कुल वो स्टिकी होती है और वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर सकती है, बहुत अच्छे से होल्ड कर सकती है वो, मतलब पानी उसमें रुका रहता है। कैरल्स ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल। और जो हमारे अनाज होते हैं वो क्लेई सॉइल में ही बहुत अच्छे से वो ग्रो करते हैं। सिल्ट कंटेन्स पार्टिकल्स दैट आर बिगर दैन क्ले बट स्मॉलर दैन द सैंड। जो सिल्ट होती है वो उसमें जो है जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्ले से तो बड़े होते हैं लेकिन सैंड से छोटे होते हैं, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सिल्ट होती है वो क्ले और सैंड का मिक्स होती है। सैंड कंटेन्स पार्टिकल्स दैट आर बिगर दैन सिल्ट, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिल्ट से बड़े होते हैं। दिस सॉइल इज़ लाइट एंड ड्राई। इस ये सॉइल जो है लाइट मतलब हल्की और सूखी होती है। इट ड्रेन्स ऑफ वाटर वेरी क्विकली, और इसमें से पानी जो है बड़ी तेज़ी से सूख जाता है या निकल जाता है। कोकोनट ट्रीज ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल। जो कोकोनट ट्री होता है वो सैंडी सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सॉइल इरेजन, अब मिट्टी का कटना या मृदा कटाव क्या होती है। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय एक्शन ऑफ आइदर विंड और वाटर इज नोन एज सॉइल इरेजन। जो टॉप सॉइल होती है उस वो उसका किसी भी तरह से हटना, वो या तो जो है हवा या पानी की वजह से जब उसमें कटाव हो जाता है तो उसको हम लोग सॉइल इरेजन बोलते हैं। सॉइल इरेजन रिड्यूस द सॉइल क्वालिटी एज अ फर्टाइल टॉप सॉइल विच इज़ रिच एंड रिच इन हमस गेट्स रिमूव्ड। जो सॉइल इरेजन होता है उसकी वजह से जो सॉइल की क्वालिटी होती है, जैसे कि जो टॉप सॉइल पे जो होती है वो बहुत फर्टाइल होती है जिसमें कि जो है हमस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमस से वो भरा होता है, तो उस वजह से जो है सॉइल इरेजन की वजह से वो टॉप सॉइल से हट जाता है। इरेजन ऑल्सो रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड होल्ड वाटर। इरेजन की वजह से ही के कारण ही जो है जो सॉइल की कैपेसिटी होती है कि वो वाटर को होल्ड कर सके, मतलब पानी को जो है वो थामे रह सके, उस वो जो है उनकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि ये जो है कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, ये अपर जो सबसे उनकी टॉप सॉइल होती है उसी में क्वालिटी होती है कि वो पानी को रोक सके। तो लेकिन जब जो है इरेजन होता है, सॉइल इरेजन होता है, तो उसमें जो टॉप सॉइल होता है उसी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इस वजह से जो है पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है। सॉइल इरेजन इज़ कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल एंड डिफॉरेस्टेशन। सॉइल के इरेजन के कई कारण हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल, जब बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है तो जो है मिट्टी का कटना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ बहाव में तूफान जैसे आ गया, या जानवरों का बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर दौड़ना चलना, और जो डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का जो कटाव हो रहा है तेज़ी से, उसकी वजह से जो है सॉइल इरेजन होता है। द मैक्सिमम इरेजन अक्यूर ड्यू टू द फोर्स ऑफ मूविंग वाटर। जो ज़्यादातर इरेजन होता है वो पानी के जो तेज बहाव होता है उसकी वजह से होता है। वाटर वॉशेज द सॉइल अवे फ्रॉम अ प्लेस एंड मेक इट अनसुटेबल टू ग्रो प्लांट्स। जो वाटर वॉशेबल, जो पानी की जो ऊपर की जो लेयर होती, सॉइल की जो ऊपर की लेयर होती है उससे पानी जो है वो बहाकर दूर लेके चला जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। प्लांट को ग्रो करने के लिए वो सॉइल जो है सुटेबल नहीं रहती है। सॉइल कंजर्वेशन
प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। पानी मिट्टी के कटाव को, मिट्टी का जो कटना होता है उसको रोकने, सॉइल कंजर्वेशन मृदा संरक्षण। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन, मतलब सॉइल इरोजन से बचाने के लिए जो उपाय होते हैं उनको हम लोग सॉइल कंजर्वेशन के नाम से बुलाते हैं, मतलब मृदा संरक्षण के नाम से जानते हैं। सॉइल इरोजन रिमूव द टॉप सॉइल दैट कंटेन्स हमस रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल इरोजन की वजह से ही जो टॉप सॉइल होती है सॉइल की, उसमें जो हमस कंटेन होता है, हमस जो रहता है वो रिमूव हो जाता है और हमस ही जो है जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको मेंटेन रखता है। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक सम स्टेप्स टू कंजर्व द सॉइल, और इसीलिए जो है सॉइल को कंजर्व करने के लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स उठाने चाहिए। आप अपने चैप्टर में ये सॉइल इरोजन का पिक्चर देख रहे हैं, जिसमें कि जो है ये तेज़ हवा या पानी के बहाव के कारण इस तरह से जो अपर लेयर होती है सॉइल की वो कट जाती है, इसकी वजह से पेड़ों को भी नुकसान होता है। तो ये आपकी सॉइल इरोजन होती है इस तरह से। वेज टू कंजर्व सॉइल, प्लांट मोर ट्रीज, द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड ऑन टू द सॉइल एंड प्रिवेंट द इरोजन ऑफ सॉइल। जो पेड़ के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को होल्ड करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और सॉइल इरोजन को भी वो रोकते हैं। अवॉइड ओवर गेजिंग बाई कैटल, डू नॉट अलाउ कैटल टू ग्रेज इन द सेम एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम जो पशुओं को अपने जो है गांव में चराने के लिए खेतों में या जो है पहाड़ों या जंगलों में लेके जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने पशुओं को एक लंबे टाइम के लिए किसी भी सेम जगह पर, एक ही जगह पर लंबे टाइम के लिए उनको इकट्ठा ना होने दें। क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द सेम फार्म लैंड इन द सक्सेसिव सीजन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। हमें अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप्स होते हैं, फसलें होती हैं, वो जो है एक ही फार्मलैंड, मतलब एक ही खेत में या एक ही जगह पर हमें नहीं उगानी चाहिए, और मतलब उगानी चाहिए उन, क्योंकि जो जिस सीज़न की जो सब्जियां हैं या जो फसलें हैं हमें उनको जो है रोटेट कर करके जो है एक सेम फार्मलैंड में डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स हमें उगाने चाहिए, और इसी को हम लोग जो है क्रॉप रोटेशन कहते हैं। दिस पार्टिकल प्रैक्टिस हेल्प इन मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी, और यही इन्हीं प्रयासों से हम जो है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। बंड्स और एम्बैकमेंट्स, द ओवरफ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग फ्लड कैरीज अवे द टॉप सॉइल। जो पानी का जो ओवरफ्लो जब होता है बाढ़ के ज़रिए, जब बाढ़ आती है और पानी का जो पानी ओवरफ्लो होके जो टॉप सॉइल होती है, जब अगर उसको जो उसको दूर बहा कर लेके जाती है, दिस कैन बी प्रिवेंट बाय बिल्डिंग एम्बैकमेंट और बंस अलोंग द रिवर बैंक्स। इसको जो है हम लोग एम्बैकमेंट्स और बंस बनाकर जो है नदियों के पास इसको हम लोग रोक सकते हैं, नदियों के किनारों पर मेढ़ों, जैसे मेढ़ बनाई जाती है, ये मेड़ बनाकर हम लोग जो है ये इसके पानी जो तेज़ बहाव से जो पानी और मिट्टी कट जाती है, तो इसको हम लोग मेड़ के ज़रिए बनाकर इनको रोका जा सकता है। दिस ऑल्सो प्रिवेंट डैमेज टू द क्रॉप्स ड्यूरिंग फ्लड्स, और ये फसलों को जो बाढ़ आती है तो उससे जो फसलों को नुकसान। टेरेस और कंटूर फार्मिंग, सॉइल इन हिली रीजन्स कैन बी प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय वाटर इन इफ़ द फ्लो ऑफ वाटर इज़ स्लो डाउन। जो हिले पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है या जो फसलें लगाई जाती हैं, तो वहाँ पर जो है पानी की धारा से, वहाँ की मिट्टी पानी से बह के वो नीचे की तरफ चली आती है। और दिस कैन बी डन बाय क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ स्टेप और टेरेस वेयर द क्रॉप्स आर प्लांटेड। और जो ये चली पानी का बहाव जो नीचे की तरफ चला आता है और उसके साथ में जो वहाँ की मिट्टी होती है वो भी जो है नीचे की तरफ चली आती है पानी के बहाव के साथ, तो इसको जो है रोकने के लिए हम लोग जो है स्टेप्स बनाते हैं।
वहाँ जहाँ पर हम लोग क्रॉप्स लगाते हैं, फसलें लगाते हैं, उस जगह पे हम लोग स्टेप्स की सीरीज़ बनाते हैं या फिर छत बनाते हैं वहाँ पर, जिससे कि पानी को वहाँ पर होल्ड किया जा सके। दिस प्रिवेंट्स सॉइल इरेजन इन द हिल्स ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल। और ये हैवी रेनफॉल के टाइम पे जो सॉइल इरेजन होता है उससे भी इससे बचाव मिलता है। और ये जो ये पहाड़ों पर खेती की जाती है तो ये इस प्रक्रिया के द्वारा नमी संरक्षण और फसल उत्पादकता बढ़ाने में भी हेल्प होती है। और ये एक प्रभावशाली और कम लागत वाली ये विधि है। आप अपने चैप्टर में ये पिक्चर्स देख रहे हैं जिसमें कि ट्रीज़ प्रिवेंट सॉइल इरेजन, पेड़ किस तरह से सॉइल इरेजन को रोकता है। जो ये पेड़ के रूट्स हैं ये जो है मिट्टी को, सॉइल को आपस में बांध लेती हैं, जिससे कि जो है ये पानी के तेज बहाव भी इसको बहा नहीं पाते हैं, मिट्टी को बहा नहीं पाते हैं, क्योंकि ट्रीज़ के जो रूट्स हैं वो उनको इतना जकड़े रहती हैं, इतना स्ट्रांगली पकड़े रहती हैं। अवॉइड ओवर गेजिंग, जो हमारे कैटल्स होते हैं, जो पशु होते हैं, वो एक जगह पर एक साथ लंबे समय तक ना चरने पाए, इससे हमें इनको बचाना चाहिए। क्रॉप रोटेशन, हमें फसलों का रोटेशन करना चाहिए, एक ही खेत में हमें एक ही तरह की फसलों को नहीं लगाना चाहिए, इससे जो उसकी उर्वरकता होती है फसल की वो काफ़ी कम हो जाती है। जब हम लोग फसलें चेंज करते हैं तो उसमें दूसरी तरह की उर्वरकता भी बढ़ जाती है। तो जब हम लोग एक ही खेत में कई तरह की फसलें लगाएंगे, जिस सीज़न की जो फसलें होती हैं, तो उससे जो है सॉइल कंजर्वेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 12 सॉइल इन योर साइंस बुक कंप्लीट हो गई है उसकी रीडिंग। अगर आपको मेरा चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।